ये देखिए, ये साबुत बाजरा है, इसी की रेसिपी हम बनाने वाले हैं। ये मैं साबुत आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत जगह इसका आटा अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन ये घर पे हम मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से इसका पाउडर बना सकते हैं, आटा हम घर पे बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी है बनाना, तो इसीलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। और साबुत बाजरा हर एक बंसारी की दुकान पे आपको आराम से मिल भी जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका पाउडर हम बना लेते हैं। ये देखिए कितना फाइन पाउडर बन गया है, ये बिल्कुल आटे की तरह। तो अब इसका हम बना लेते हैं रेसिपी। देखिए, बाजरे का पराठा बनाने के लिए हमने ये बाजरे का आटा ले लिया है 1 कप, और इसके ठीक आधा मैंने गेहूं का आटा लिया है ताकि बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाए। साथ ही मैंने 1 प्याज लिया है जिसे एकदम फाइन चॉप कर लिया है। 1 कटोरी मेथी पत्ता है, मेथी पत्ता और धनिया पत्ता दोनों इंक्लूड है इसमें। 1 मिर्ची है और साथ में अदरक जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। मिर्ची आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये कम ज्यादा कर सकते हैं। एक बर्तन ले लेंगे हम, इसमें ये बाजरे का आटा और साथ ही गेहूं का आटा डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे पहले। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम घोल तैयार करेंगे हम, जो कि ज्यादा पतला भी नहीं रहेगा और मोटा भी नहीं रहेगा, मीडियम। एक साथ में ज्यादा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर ज्यादा पतला हो जाएगा ये घोल। इस तरह से इसमें हम ये प्याज, मेथी पत्ता और धनिया पत्ता दोनों, साथ में अदरक और ये मिर्ची डाल के इसे अच्छे से हम थोड़ा सा और पानी डाल के मिला लेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग दे दीजिएगा और थोड़ा सा हल्दी, एकदम थोड़ा सा डाल के इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। ये देखिए, इसकी थिकनेस ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। बाजरे के पराठे के साथ हम नारियल की चटनी बनाने वाले हैं। नारियल की चटनी बनाने के लिए देखिए, मैंने नारियल ले लिया है, साथ में धनिया पत्ता, अदरक और 2 मिर्च लिया है। आप चाहे तो इसके साथ धनिया पत्ते की चटनी भी या फिर बेसन की चटनी होती है वो भी बना सकते हैं। मेरे घर में नारियल की चटनी ज्यादा पसंद करता है सब कोई खाना, इसलिए मैं ये नारियल की चटनी बना रही हूँ। इसे एक मिक्सी जार में रख के इस तरह से रख लेंगे सब। नमक थोड़ा सा देकर ऐसे हम एकदम बारीक सा ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने बना लिया। अब इसे एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं। इसमें हम राई का तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए तड़का पैन हमने चढ़ा लिया, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। हाफ टी स्पून के करीब, इसके बाद थोड़ा सा राई, अच्छे से राई को हम चटकने देते हैं। साथ में 2 सूखी मिर्च इस तरह से तोड़ के डाल देंगे इसमें। राई जब अच्छे से चटक जाए, इसके बाद जो ये हमने बनाया है इस पे डाल देंगे इस तरह से। ये बहुत टेस्टी लगती है चटनी खाने में इसके साथ, आप एक बार जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। इसे हम साइड में रखते हैं।
अब जो बैटर हमने ये बना के रखा था, घोल तैयार करके रखा था, ये देखिए एकदम अच्छे से हो चुका है तैयार। इसकी थिकनेस एकदम परफेक्ट है। अब इसे हम बना लेते हैं। ये देखिए फ्राई पैन हमने चढ़ा लिया। ये हम घी में बनाने वाले हैं आज। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में ये ज्यादा टेस्टी लगता है, इसीलिए मैं घी में बना रही हूँ। इस पराठे को भावरा नाम से भी जाना जाता है। आपके शहर में इसे किस नाम से जाना जाता है ये जरूर मुझे बताइएगा। थोड़ा सा घी लेंगे, इसे अच्छे से पूरा कोटिंग कर लेंगे हम इस तरह से। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है। और इसके बाद ये जो घोल बना के हमने रखा था, इसे इस पे हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे, चारों तरफ फैला देंगे। आपको जितना बड़ा रखना है आप उतना बड़ा रख सकते हो, बना सकते हो, या फिर जितना छोटा आप बनाना चाहे वो हिसाब से आप बना सकते हो। आराम से इसे थोड़ी देर हम पकने देते हैं अच्छे से। इसके लिए हम ढक्कन लगा देंगे ऊपर में 2 मिनट के लिए। ये देखिए इस तरह से 1 से 2 मिनट बस ढक्कन लगा के रखेंगे, ताकि स्टीम पे अच्छे से ऊपर से भी पके और अंदर से भी अच्छे से पक जाए। ऊपर से भी हम इस पे घी लगा देंगे थोड़ा सा, इस तरह से पूरा फैला देंगे घी को। इसे दोनों साइड से हम अच्छे से पका लेंगे पलट पलट कर। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, आप इसे जरूर बनाइएगा। दोनों साइड से अच्छे से हम पका लेंगे। उसके बाद घी से अच्छे से हम कोटिंग कर लेंगे और इसके बाद हम इसे निकाल के एक बर्तन में रखते जाएंगे। ठीक ऐसे ही हम बाकी बचा हुआ जो बैटर है इसका हम बना लेंगे। इसे डालकर इस तरह से ढक्कन हम लगा देंगे 1 से 2 मिनट। ये देखिए ये एकदम अच्छे से पक चुका है। ऊपर से हम घी का कोटिंग कर लेते हैं और इसके बाद आराम से इसे हम पलट लेंगे इस तरह से, और फिर ढक्कन हम लगा देंगे। यही प्रोसेस करना है, इसी तरह से मैं सारे बना लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा नाश्ता मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो इस नाश्ते को आप भी अपने घर पे जरूर बनाइएगा और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिखकर बताइएगा कि ये कैसा बना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल मुंह में घुलने वाला ये नाश्ता है, और हेल्दी तो ये है ही। फ्रेंड, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट यूं ही करते रहिए। आप अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए। ओके, थैंक यू।